अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन ड्रामा सीरियल दावत का इंटरेस्टिंग प्रोमो ने शेयर कर दिया गया है। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया लाजमी से करते जाना, चल जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दावत ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो कि नाजरीन यहाँ पर अब काफी ज्यादा नाजरीन टेंशन में होती है हमारी मारिया, लेकिन नाजरीन दूसरी जानब अस्जिद भी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और इसके पास फाइल्स हैंड वगैरह करवाने अंबर आएगी और नाजरीन इसे जो है वो टेंशन में देख के यहाँ पर ये काफी ज्यादा जो है वो टेंशन में आ जाएगी और नाजरीन यहाँ पर ये जो है वो काम करवाने के बाद यहाँ पर इसे जो है वो भेज देगा जिससे इतनी ज्यादा गपशप ना करे, जिसकी वजह से नाजरीन ये भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाए कि आज इसका मूड जो है वो बिल्कुल जो है इससे बरक्स है जैसे ये आगे करता है। तो नाजरीन जिसके बाद यहां पर ये जैसे ही जाने लगेगी ऑफिस से बाहर निकलेगी तो नाजरीन बेबी अपनी कार लेकर पहुंच जाएगी, जिसके बाद ये इशारा करेगी कि आ जाओ, जिसके बाद नाजरीन अंबर जैसे बेबी के साथ बैठेगी तो नाजरीन बेबी यहां पर इससे बातें करना शुरू कर देगी और कहेगी कि तुम तो अस्जद की जो है पुरानी मोहब्बत हो, अभी भी जो है वो उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह होगी और तुम्हारे दिल में उसके लिए भी कुछ जगह होगी। लेकिन नजरें यहां पर शायद जो है अंबर बता दे कि यहां पर कोई ऐसी बात नहीं है, अपनी घरेलू मजबूरियों की वजह से जो है इस काम पे लगी हुई, वैसे मुझे इसका कोई भी शौक नहीं। इसके साथ साथ आप लोग ये भी देखने वाले हो कि यहां पर नजरें बात हो रही होगी मारिया और नजरें अस्जद के दरमियान में और नजरें यहां पर मारिया को कहेगा अस्जद के मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैंने तुम्हें बताया था कि यहां पर मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा अब और कोई भी नहीं है, जिसके बाद यहां पर मारिया कहेगी या तो आपने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, जिसके बाद ये आगे से कहता है कि तुम्हें कैसे रोकता है, यहां पर तुमने तो जो है वो पहले से ही जहन बना लिया था जाने का। और इसके बाद नजरें मारिया काफी ज्यादा टेंशन में आ जाएगी, अस्जद ऑफिस से जाना लगेगा तो नजरें मारिया टेंशन में होगी, जिसके बाद नजरें ये इसे कहेगा कि यहां पर छुट्टी ले लो चलो मेरे साथ, जिसके बाद नजरें इसे जो अपने साथ बैठा के यहां पर बातें करता हुआ जाएगा कि यहां पर कभी कभी बंदा इतने ज्यादा करीब होता है कि दिल की आवाज भी सुनी जाती है और कभी कभी इतनी ज्यादा जो है वो दूर हो जाता है कि यहां पर चीख चिल्ला भी ले तब भी यहां पर बात सुनना गवारा कोई नहीं करता। और इसके साथ साथ ये बातें करते हुए जा रहा होगा उसके साथ, तो नजरें उधर से देख लेगी मारिया। अस्जद किस तरह से ये सब चीज एक्सप्लेन करेगा जरूर से बता दीजिएगा। ओके बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।